आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिल गुरुजी पर स्वागत है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को आपके जो सभी स्टूडेंट्स के रनिंग में जो मेन प्रॉब्लम रहती है सिन पेन की रिलीफ के लिए आज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक्सरसाइजेज बताने जा रहा हूँ। उन सभी एक्सरसाइज को आपको प्रॉपर करना है और लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहना है और हर एक्सरसाइज को आपको प्रॉपरली समझना है, जिससे आपके जिस स्टूडेंट में सिन पेन होता है उनके रिलीफ हो और आपकी सिन की स्ट्रेंथ डेवलप हो, जिससे आपके आगे भी पेन ना हो। अब ये वीडियो स्टार्ट हो चुका है, एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है सिन पेन के अंदर। इसके अंदर आप सभी स्टूडेंट जिस तरह से देख रहे हैं, आपको आगे से हैंड्स पे खड़े रहना है, आपकी कमर झुकी हुई रहेगी और पंजे पीछे की तरफ बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। देखिए जिस तरह से ये स्टूडेंट करें, बिल्कुल फ्लैट हाथों के बल के ऊपर बॉडी को उठाओगे और कमर बिल्कुल लटकी हुई रहेगी और घुटने ऊपर रहेंगे। जैसे आप सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो घुटने ऊपर उठे हुए हैं सभी स्टूडेंट्स के, और इसमें आपको प्रेशर फील करना है, सिन के ऊपर खिंचाव महसूस करना है। अगर खिंचाव नहीं होता है तो फिर आप एक्सरसाइज गलत कर रहे हो। आप उसके लिए मुझे कॉल भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि सर मेरी क्या प्रॉब्लम है, मेरे सिर में खिंचाव नहीं आ रहा है। नंबर आप सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो जिस तरह सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपको इसको 25-30 की काउंटिंग तक कंटिन्यू रखना है। स्टार्टिंग में आप कम भी कर सकते हो और धीरे धीरे स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। इसके बाद में जो सेकेंड एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, पैर पीछे की तरफ रहेंगे, पंजे अंदर की तरफ और एडी बाहर की तरफ, जिस तरह से आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं और आप मेरा भी वीडियो देखेंगे, और घुटना ऊपर उठा हुआ रहेगा। देखो जिस तरह मेरे घुटने उठे हुए हैं और ऊपर से ये स्टूडेंट थोड़ा झुके हुए हैं, लेकिन आपको सीधा रहने की कोशिश करनी है। पूरा का पूरा वेट आपका सिन के ऊपर जाना चाहिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होएगा। एडी उठा के रखनी है, बिल्कुल हाथों का पूरा प्रेशर लगाना है जमीन के ऊपर और बिल्कुल सीधा रहना है। और जैसे ये देख लीजिए, जैसे पंजे जिस तरह से रखे हुए हैं ना, पंजे आपको उसी तरह से बिल्कुल रखने हैं, सिर्फ घुटनों को ऊपर उठा के रखना है, ठीक है। इसका आप प्रॉपर करेंगे, इसको भी आप 25-30 सेकेंड तक करेंगे। स्टार्टिंग में कम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे 60 सेकेंड तक 70 सेकेंड तक आराम से बढ़ा सकते हैं। अब आगे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आप घुटनों को जमीन के टच कर लेंगे, पंजे बिल्कुल पीछे की तरफ वैसे ही रहेंगे, पंजे अंदर की तरफ, एडी बाहर की तरफ, और बिल्कुल आराम से आपको रिलैक्स होके बैठना है। आपके घुटने फ्लोर पे टच रहेंगे बिल्कुल, हाथ अपने नी के ऊपर रखने हैं आपको और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। इस एक्सरसाइज को अगर आप खाना खाने के बाद में अपने घर पे भी करते हैं ना, तो इससे आपकी पाचन क्रिया बढ़ती है और आपका खाना जल्दी पचता है। जिन स्टूडेंट्स के गैस की प्रॉब्लम है या गैस वगैरह बढ़ता है, जिनका फैट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, उनको भी काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। तो आप इसके डबल फायदे हैं, सिन पेन में भी रिलीफ होगा और आपका जो पाचन क्रिया है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको सेम इसी पोजिशन में हाथों को पीछे की तरफ करते हुए झुकना है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके सिन में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा और आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जा सकते हैं, जितना आप नीचे जाओगे उतना ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा। और ये भी बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी सिन की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए और सिन पेन में रिलीफ के लिए। देखिए जिस तरह से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स काफ़ी स्ट्रेंथ डेवलप है, काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ से फोर्थ नंबर के स्टूडेंट्स को देख रहे हो, मेरे बाद में सेकेंड नंबर स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरा फोल्ड कर रखा है बॉडी को, और ये स्टूडेंट्स भी, फीमेल स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। ये देखिए इन स्टूडेंट्स को आप देख रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर बेस्ट एक्सरसाइज है ये। इससे आपके सिन में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा और आपको प्रॉपर रिलीफ महसूस होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज है। और इसके बाद में जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, इसको आप स्टार्टिंग में न करके 3-4 डेज बाद में करनी है आपको ये। इसमें थोड़ा सा इंजरी चांस रहते हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ हैवी एक्सरसाइज है ये। जिस तरह से आप देख रहे हैं, पंजे को पीछे फिर निकालना है, आगे वाले घुटने पर जोर देना है, पूरा बॉडी वेट आपकी सिन के ऊपर आएगा। देखिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, अब मैंने साइड से इंजरी करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा पीछे की तरफ और पूरा बॉडी वेट देना है। अब दूसरे पैर से आप देख समझने की कोशिश कीजिएगा, ये इस तरह से पूरा का पूरा वेट आपके सिन के ऊपर जाएगा, पंजा बिल्कुल सीधा रहेगा। कुछ स्टूडेंट क्या पंजे को पूरा घुमा लेते हैं तो इसमें इंजरी चांस रहते हैं। इस तरह से, तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स अगर इन एक्सरसाइजेज को करते हो तो आपके सिन के अंदर किसी पेन हो रहा है जिन स्टूडेंट्स के, उनके 4-5 डेज के अंदर बिल्कुल पेन ख़त्म हो जाएगा
और जिन स्टूडेंट्स ने अभी अपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, अगर वो उस टाइम अगर इस वर्कआउट को करते हैं तो आपके सीन पेन होने के चांस बहुत कम रहेंगे, मीन्स आपके सीन पेन होगा ही नहीं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का फिजियोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छी लगी है तो प्लीज़ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी स्टूडेंट इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको मेरी एक्सरसाइज से या कुछ बेनिफिट हुआ है या मेरी वीडियोज से कुछ फ़ायदा पहुँचा है तो आप मेरे इन वीडियोज को शेयर भी कर सकते हो अपने व्हाट्सएप के थ्रू या अपने फ्रेंड्स को भी। अगेन आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बने रहिए।